हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में यूनिट 1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 का नाम है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। देखिए ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको आपका बुक दिखा देता हूं। सबसे पहले आज कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए कह रहा है रीड द वर्क डन बाय योर फैमिली मेंबर्स गिवन इन द बॉक्स, राइट देम इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो यहां पर देखिए इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा कुछ वर्क। अब इस वर्क को यहाँ पर लिखना है, मतलब कौन सा फैमिली मेंबर के द्वारा ये वर्क किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूँ, प्रिपेयर्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार कौन कराता है, तो ये आपका किस में आएगा, तो मदर कराती है ना। तो यहाँ पर मदर के जगह में प्रिपेयर फॉर स्कूल लिख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले आपको कॉपी में उतार लेना है, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर अपना कॉपी में नोट कर लिया है। प्रिपेयर फॉर स्कूल, अभी मैंने आपको बताया स्कूल के लिए कौन प्रिपेयर कराते हैं, तो मम्मी कराती है। तो यहाँ पर लिखना है आपको प्रिपेयर फॉर स्कूल, हो गया। अब आगे देखिए, अर्न्स मनी, पैसे कौन कमाते हैं, फादर, तो यहाँ पर फादर के प्लेस पे लिखेंगे ई ए आर एन एस, अर्न्स मनी। आगे देखिए गोज टू ऑफिस, ऑफिस कौन जाते हैं, तो फादर जाते हैं, तो इसी जगह पर कमा लगा के आपको लिखना है गोज टू ऑफिस। चलिए आगे देखिए, ब्रिंग्स टॉफी, टॉफी कौन लाता है ना, तो यहाँ पर आप ग्रैंडफादर की जगह पे लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर लाते हैं टॉफी, तो यहाँ पर लिखते हैं बी आर आई एन जी एस, ब्रिंग्स टॉफी। क्लियर है। अब अगला देखिए, हेल्प्स टू डू होमवर्क, आपका होमवर्क बनाने में कौन मदद करता है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और इधर ब्रदर या सिस्टर, तो इतना सारा फैमिली का नाम दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ग्रैंडमदर में ब्रिंग्स टॉफी लिखा गया ना, तो आप यहाँ पर इसको सही कर सकते हैं, ब्रिंग्स टॉफी को यहाँ पर ग्रैंडफादर की जगह पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी आपका सही होगा। ठीक है, आप इसका आंसर जो है ना सटीक नहीं लिख सकते हैं, किसी का आंसर अलग होगा, आपका आंसर अलग होगा, मेरा आंसर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना अपना सबका वर्क है, काम है, किसी का ग्रैंड मदर टॉफी लाती है तो किसी का ग्रैंड फादर टॉफी लाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ग्रैंड मदर में लिखा गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हटा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने गलती से ग्रैंड मदर में लिख दिया, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको लिखना क्या है, होमवर्क बनाने में कौन मदद करता है, तो देखिए भाई या तो बहन, तो ब्रदर और सिस्टर के प्लेस में लिखेंगे हेल्प्स टू डू होमवर्क। अब चलिए आगे देखिए कौन सा काम है, अगला काम है टेल्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको मज़ेदार कहानी कौन सुनाती है, दादी कि दादा सुनाते हैं, तो जो सुनाते हैं वहीं पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर की जगह में लिख देते हैं। ठीक है, दादी सुनाती है मज़ेदार कहानी, तो लिखते हैं यहाँ पर टेल्स एन, नीचे लिख देते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए अब आगे देखिए अगला काम क्या है, अगला काम है कुक्स फूड, खाना पकाना, तो मम्मी का काम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं
कुक्स फूड। अब आगे देखिए और कौन सा काम है। देखिए मैनेजेस द होम, घर का मैनेज कौन करता है, तो घर का मैनेज फादर करते हैं, तो फादर की जगह पे लिखिए। और अगर ग्रैंडफादर करते हैं तो ग्रैंडफादर के प्लेस में लिखिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रैंडफादर में लिख देता हूँ, मेरा घर को मैनेज मेरे दादाजी करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ग्रैंडफादर की जगह पे मैनेजेस द होम लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पिताजी आपका घर मैनेज करते हैं तो फादर की जगह पे लिखिएगा मैनेजेस द होम। और आगे देखिए एक काम बच गया, ड्रॉप एट स्कूल, स्कूल तक कौन छोड़ता है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिखिएगा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका ये सारा काम कौन करता है, आपको उसी फैमिली के स्थान में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दादाजी के प्लेस पे, ड्रॉप्स एट स्कूल। तो देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके से बना लेना है, भर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम से आपको अपोजिट वर्ड को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है, शॉर्ट का, डार्क का, अवेक का, बैड का और एवरीथिंग का। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी में उतारते हैं फिर बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए मैंने कॉपी में उतार लिया, शॉर्ट का आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो देखिए शॉर्ट का लॉन्ग होगा, पोयम में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर लॉन्ग लिखेंगे। डार्क का लाइट होता है, पोयम में भी है लाइट, एल आई जी एच टी। ठीक है, अवेक जागना, तो इसका उल्टा सोना होगा, सोना का स्लीप होगा, एस एल डबल ई पी। ठीक है, जागना का सोना, छोटा का उल्टा लंबा। ठीक है, ये डार्क अंधेरा का उल्टा लाइट प्रकाश। और इधर बैड, बैड का गुड हो जाएगा। ठीक है, बुरा का अच्छा। एवरीथिंग, एवरीथिंग का होगा नथिंग, एन ओ टी एच आई एन जी, सब कुछ, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें नेम ऑफ साउंड्स मेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए एनिमल और उनका साउंड, एनिमल और उसका साउंड, बर्ड्स और उसका साउंड, इसके बारे में सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऑक्स का होता है लो, ऑक्स का साउंड क्या होता है, लो। मीन्स ऑक्स का जो बोली है, भाषा है, ऑक्स का आवाज़ को इंग्लिश में लो बोलते हैं, बैल का। ठीक है, आगे है मंकी, बंदर का, बंदर का चैटर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चैटर, सी एच ए डबल टी ई आर, चैटर। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स का नय होता है, एन ई आई जी एच, नय। स्लीप, स्लीप का होता है ब्लिट, बी एल ई ए टी। डॉग का होता है बार्क, बी ए आर के, बार्क। ठीक है, कैट का होता है मियाऊ, एम ई डब्लू। और डंकी का होता है ब्रे, बी आर ए वाई। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑक्स का साउंड होता है लो, मंकी का साउंड चेटर, हॉर्स का साउंड नय, सिप का साउंड ब्लिट, डॉग का साउंड को बार्क बोलते हैं, और कैट का साउंड को मियाऊ, डंकी का ब्रे। अब आगे देखते हैं बर्ड्स का साउंड। तो देखिए सबसे पहले है आउल, आउल का होता है साउंड हुट, एच डबल ओ टी, हुट। नेक्स्ट है पिजन, पिजन का कू होता है, सी डबल ओ कू। एंड नेक्स्ट है गीज, गीज का केकल, सी ए सी के एल ई, केकल। आगे है क्या, नेक्स्ट है कॉक, मुर्गा, तो क्राउ कुकड़ुक्कू करता है। फेरोट, फेरोट क्या करता है, तो बातें करता है, इसलिए इसके लिए
टॉक लिखेंगे। टॉक मीन्स बातें करना। एगल, एगल के लिए स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। नेक्स्ट है स्पैरो, स्पैरो के लिए चार्प, चहचहाना, CHIRP, RP, चार्प। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ना, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट वन का जितना भी सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं रेगुलर आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।